हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज़ संदीप और शुरू करते हैं आज की एनालिसिस, देखते हैं। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर ज़रूर किया करो। अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में हमें एक अच्छा खासा जो है बुल रन मिला था, उसके बाद एक यू शेप हमें स्ट्रक्चर मिली थी। बट उसके बाद आज हुआ क्या कि इसने एक एन शेप जो है स्ट्रक्चर बनाई है, जो कि एक हम कह सकते हैं कि बीरिश स्ट्रक्चर है। अगर हम आर्ली चार्ट चेक करते हैं तो हमें इसके अंदर प्योरली बीरिशनेस मिल रही है। अगर ये बीरिशनेस कंटिन्यू होती है तो चांसेस आर मच हाई कि ये 17,700 का जो गैप है, 700 तक का जो एक गैप है, ये कल को फिल होने के चांसेस हैं। बट उसके बाद ओवरऑल मैं बुलिश हूँ। अगर कल को गैप अप ओपनिंग हो जाती है देन डेफिनेटली हमें बुलिशनेस देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो अगर कल को गैप डाउन खुलता है तो चांसेस आर मच हाई कि एक बार ये गैप फिल होगा, उसके बाद रिवर्स देगा। अगर कल को गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो चांसेस आर मच हाई कि कल को निफ्टी बहुत ज़्यादा अच्छी खासी बुलिशनेस दिखा सकता है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं तो बैंक निफ्टी ने भी आज अच्छा खासा करेक्शन दिखाया एक बुल रन के बाद। तो बैंक निफ्टी ने भी सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाई है कि यू शेप के बाद एक डाउन साइड एंड देन एक एन शेप जो है स्ट्रक्चर बनाई है। और बैंक निफ्टी ने तो एक जो सपोर्ट थी उसको भी ब्रेक किया है, तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा बेरिशनेस देखने को मिल सकती है। बट एचडीएफसी ग्रुप अगर कल को दोबारा एक्टिव हो जाता है, दोबारा बुल रन एक्टिवेट कर देता है, देन डेफिनेटली बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक अच्छी खासी मूव जो है कल को देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी के अंदर भी। उसके बाद टाटा पावर को देख लेते हैं। टाटा पावर ने एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई है। इस स्ट्रेंथ के अंदर हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि स्टॉक अच्छा खासा मूव कर चुका है तो हमें थोड़ा सा वेट करना है प्रॉपर प्राइस एक्शन कंफर्मेशन का। बट अगर हम पहले देखते हैं तो पहले भी एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इसने मूव दिखाया था टाटा पावर ने, तो अगेन वही चीज़ हो रही है। तो चांसेस हैं कि कल को भी ऐसे मूव दिखाए। बट अगर देखेंगे पहली बार में क्या हुआ था, पिछली बार जब मूव हुआ था तो थोड़ा सा स्टॉक जो है सस्टेन भी किया था, तो चांसेस हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट हो के फिर दोबारा बुलिश मूव दिखा सकता है। तो टाटा पावर को डेफिनेटली बाय करके चलेंगे और ये पोजिशनल ट्रेड वाइज और स्पेशली स्विंग ट्रेडिंग के लिए टाटा पावर इज नाउ वेरी वेरी गुड सिचुएशन, बाय करके चल सकते हैं। अगर हल्का सा रिट्रेसमेंट मिलता है द बेस्ट, अगर नहीं मिलता है तो भी हम बाय करके चल सकते हैं टाटा पावर को। अगेन अगर हम बात करते हैं हैवेल्स की, तो हैवेल्स के अंदर भी आज एक प्रीवियस हर्डल ब्रेकआउट होते हुए देखा है। काफ़ी लंबे टाइम का कंसोलिडेशन था जो आज ब्रेक हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा था, एक हायर फिर लोअर लो, बट एक छोटा सा एक स्विंग मिला था, उसके बाद आज एक हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है और ये काफी लंबे टाइम का ब्रेकआउट इसने दिया है। तो चांसेस आर मच हाई कि अभी एक स्ट्रेंथ हमें इसमें देखने को मिल सकती है। तो अगेन अगर इसके अंदर भी रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है तो हम डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और एक चीज और ध्यान रखना, इसको अभी ज्यादा फुल क्वांटिटी में बाय मत करना, हल्का सा इसको रिट्रेस होने देना या फिर इसको कंसोलिडेट होने देना, उसके बाद ही हम इस हैवेल्स को बाय करके चलेंगे। उसके बाद है श्रीराम ट्रांसपोर्ट। श्रीराम ट्रांसपोर्ट को देखोगे तो एक बुल रन के बाद इसमें हमें डाउनसाइड फ्लैग पैटर्न देखने को मिला है, फ्लैग पैटर्न हमें ऑलमोस्ट देखने को मिला है। तो अगर कल को इसके अंदर बुलिशनेस आती है तो कल को मैं मानता हूं कि ओपनिंग सेशन पे ही हमें 30 से पहली फर्स्ट 15 मिनट के अंदर ही हमें बियरिशनेस देखने को मिल सकती है, जो कि 30-35 मिनट की हो सकती है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के अंदर। तो इसके लिए भी रेडी रहेंगे अगर बियरिशनेस दिखाता है। अगर अगेन इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो हम डेफिनेटली यहाँ बुलिश व्यू बना के चलेंगे और श्रीराम ट्रांसपोर्ट को बाय करके चलेंगे। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, आपको स्टॉक सिलेक्शन पसंद आ रहा होगा। जो पिछले येस्टरडे जो भी स्टॉक्स हम सजेस्ट कर रहे हैं, जो भी मैं सजेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं जस्ट एक नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, तो जो भी शेयर कर रहा हूँ वो हमारी अच्छी खासी सही जा रही है, तो आई होप आप उससे प्रॉफिट बना पा रहे होंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और सॉरी फॉर द वॉइस कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड, उसके लिए माफी मांगता हूँ, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो कीर्तन वगैरह हर घर में चल रहे हैं, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके लिए सॉरी। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट कुछ स्टॉक्स के साथ।
और हमारी एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। माय नेम इज संदीप, वी आर फ्रॉम सिमफ्रीन। जय हिंद।